बचपन, कुछ यादें, बचपन वो खेलना, बचपन वो लड़ना झगड़ना, बचपन वो कुछ नया करना। बचपन से तुम्हारी काफी यादें जुड़ी होती हैं। बचपन में एक टाइम पे मैं भी था, तो आज हर कोई है। जो आज बूढ़ा हो चुका है वो भी एक टाइम पे बचपन में ही था। तो बचपन से कुछ खास यादें कुछ लोगों की जुड़ी होती है, आपकी भी जुड़ी है, आपकी जुड़ी होगी, और आगे चलकर अगर आप बच्चे हैं तो आपकी भी कुछ यादें जुड़ जाएंगी। तो बचपन कुछ ऐसा ही होता है हर किसी का। तो जब इंसान की उम्र हो जाती है तो आपको हर किसी को एक टाइम याद आता है, वो है बचपन। तो मुझे भी दोस्तों अपना बचपन याद आया। कुछ पुराने तस्वीरें थी घर में, तो मैंने उन तस्वीरों का जब देखा तो मुझे मेरी बचपन की काफी यादें जो आ गई हैं। जिस तस्वीर को आज मैं ड्रॉ करने वाला हूं वो तो टाइम मुझे याद नहीं है, बट उससे रिलेटेड काफी टाइम मुझे याद है। और उन यादों को एक अच्छी यादें बनाने के लिए मैंने इसमें आज एक ड्राइंग बनाई है। ड्राइंग में जो पिक है वो उस दिन की है जिस दिन मेरा बर्थडे है, जन्मदिन है मेरा, और मैं एक साल का, मेरी एक साल की उम्र थी। तो तब मैंने ये पिक्चर मेरे परिवार वालों ने क्लिक की थी, फोटोग्राफर को बुलाया था। तो मुझे ये सब तो नहीं पता है, बट मेरी फैमिली वालों ने बताया है। तो मुझे काफी अमेजिंग लगा कि देखिए कैसे हम बचपन में होते हैं और काफी यादें हमारे साथ जुड़ती जाती है और धीरे धीरे हम बड़े होते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें एक ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ, और जो ड्राइंग है थंबनेल में आपने देख लिया होगा किस पिक को देखकर ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ। तो आज ज्यादा बातें नहीं करेंगे, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आज सिर्फ ड्राइंग की तरफ देखेंगे, और देखकर ड्राइंग के बाद में जो है आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा अपने बचपन रिलेटेड। तो चलिए जल्दी से पहले ड्राइंग को देख लेते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मेरे से जुड़ी रहिए, वीडियो को एंड तक देखना। आपका स्वागत है मेरे चैनल रूपम गोशार्ट। चलिए दोस्तों,
आज तक जो भी मैंने ड्रॉ किया है उसमें से मुझे ये जो ड्राइंग है काफ़ी अच्छी लगी और फेवरेट भी है, क्योंकि ये मुझसे जुड़ी हुई है। और अगर आप भी ऐसी ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा एक बार ज़रूर अपनी ड्राइंग बनाना, काफ़ी अमेजिंग लगता है। खुद को अपने बचपन को फिर से दोबारा ड्रॉ करना काफ़ी अमेजिंग लगता है। और इसी तरह ही अगली वीडियो लाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा कुछ ना बातें करते हुए चलता हूँ, और एक बार अपने बचपन की तस्वीर भी देख लेना कैसा आपका बचपन था। तो खुश रहो, अपने परिवार को खुश रखो और हमेशा पॉजिटिव सोचो, और मेरी वीडियो को देखते रहो ताकि ऐसे ही वीडियो और भी बनाने में मुझे मोटिवेशन मिले। तो चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ इसी रोमांच के साथ, इसी एक नए तरीके के साथ। तो चलता हूँ, बाय बाय।